वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं सबका हेल्प यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 255 से ज़्यादा एप्लीकेशंस फॉर्म को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके फॉर्म्स हैं वो हर एक तरीके के, हर एक विभाग के फॉर्म्स हैं। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के फॉर्म को बड़ी आसानी से एडिट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आपको 255 प्लस फॉर्म मिलेंगे, जिसमें आपको ऑलरेडी वर्ड के अंदर फॉर्म मिलेंगे जहाँ पर आप आसानी से फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जो फॉर्म आपको पीडीएफ में मिलेंगे उसमें आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही फॉर्म पीडीएफ में है जिसका आप एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जितना भी फॉर्म है वो आपका वर्ड के अंदर है, आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको 255 प्लस फॉर्म मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस पे, कोई भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जितना का आप दिन भर में पान मसाला खा के थूक देते होंगे उतने में ही आपको 255 फॉर्म्स मिलेंगे। और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि इन फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये फॉर्म क्यों आपको अपनी शॉप पर, अपने सीएससी सेंटर पर रखनी चाहिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके प्रोसेस को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो होल्ड पर है और उसका हमें एप्लीकेशन टाइप करवाना है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक अकाउंट होल्ड है तो जाके आप बैंक से संपर्क करिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों आप ऐसा कहेंगे कस्टमर से? क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। आपका वो कस्टमर चला जाएगा किसी दूसरी शॉप पर, किसी दूसरे सीएससी सेंटर पर। इससे आपके दो लॉस होंगे। लॉस तो आपके ज़्यादा हैं, लेकिन जो दो लॉस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला लॉस ये कि आपकी जो इनकम होनी थी, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी इनकम होनी थी वो आपकी चली गई। उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपका ये लॉस हुआ कि कल को अगर कोई कस्टमर जिसको आपने मना किया है, वापस किया है कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म्स नहीं है, कोई ऐसी एप्लीकेशंस नहीं है जिसका हम आपको दे सके, जो है होल्ड पे लगे अकाउंट को आप हटवा सके, तो उसका मान लीजिए कोई कस्टमर उस कस्टमर से मिलता है और कहता है कि हमें अपने बैंक अकाउंट के जो होल्ड है, होल्ड पे है, उसको हटवाने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसा कि आपने करवाया होगा तो आपको पता होगा, तो वो कहेगा कि आप दूसरी शॉप पे चले जाइए जहाँ से उसने काम करवाया है, जिसके पास ये फॉर्म था, जिसने उसको दिया है, वो उस शॉप पर उस कस्टमर को भेज देगा। इससे आपका जो कस्टमर का बढ़ना था वो कम पड़ जाएगा और आपकी जो इनकम थी वो कम पड़ जाएगी। कस्टमर ज़रूरी नहीं कि आपका 10 रुपये, 100 रुपये दे तभी आपकी इनकम हो। कस्टमर आपका 2 रुपये भी अगर आपको मिलते हैं कस्टमर से तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ही कस्टमर से आपके शॉप की जान बढ़ती है, एक ही कस्टमर से आपके शॉप का नाम बढ़ता है, और एक ही कस्टमर से जब शॉप की जान, शॉप का नाम बढ़ता है तब जाके आपका एक नाम बनता है, और जब आपका नाम बनता है तो आपका एक ब्रांड बनता है, और जब आपका एक ब्रांड बन जाता है तो लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो दुनिया के कोई भी कोने में है वो आपके पास आना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी काम होता है फिर वो खुद तो करवाएंगे, साथ में दूसरों को भी भेजेंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपकी शॉप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों का काम करते रहते हैं तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। इसलिए आपके पास ये सभी एप्लीकेशंस होने चाहिए, जिन एप्लीकेशंस के अंदर आपकी शॉप पर अगर कोई कस्टमर आए तो कम से कम उन एप्लीकेशन को आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट होल्ड पर लगने का एप्लीकेशन इस तरीके से टाइप है। अब इसमें करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर जो शाखा प्रबंधक हैं उनका नाम, जो भी बैंक का नाम पता है वो डाल दीजिए, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डाल दीजिए,
यहाँ पर आप पूरा नाम, एक और नंबर, मोबाइल नंबर डाल के साइन करवा प्रिंट कर दीजिए, वो साइन कर लेंगे और कस्टमर को दे दीजिए। आप एक एप्लीकेशन का 20 रुपए भी चार्जेस ले सकते हैं, इतना ही एप्लीकेशन है, पूरा टाइप है। आप इसमें सिर्फ 2 मिनट अपना इन्वेस्ट करेंगे, 2 मिनट के अंदर आप इस एप्लीकेशन को तैयार कर देंगे और कस्टमर को दे देंगे। इससे आप 10 या 20 रुपए आसानी से ले सकते हैं कस्टमर से। अगर यही फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप घंटों टाइप करेंगे, आपको अगर पता नहीं है तब भी आप सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, कहीं भी जाके आप सर्च करेंगे और अपना काफी टाइम वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बायोडाटा का जो है वो मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बायोडाटा का भी बहुत सारा फॉर्मेट पड़ा हुआ है, जैसा कि ये बायोडाटा है और भी कई तरीके की डिजाइनिंग में बायोडाटा पड़ा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्मेट कंप्लीट है, पूरा फॉर्मेट डिजाइन है, एक अच्छे तरीके से अच्छे लुक में डिजाइन है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ नाम डालना है, जिसका भी करना है, जो भी करना है सब इसमें डालना है आपको, और इसको प्रिंट कर देना है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, मात्र एक एप्लीकेशन में आपका 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। और इसी बायोडाटा का जो चार्जेस लोग लेते हैं वो 20 से 30 रुपए लेते हैं सीएससी सेंटर वाले, जिनके पास ये होती है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे सीवी, तो सीवी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसी में आप इसमें सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसा कि बैंक में मोबाइल नंबर इस वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि केवाईसी चल रही है, और केवाईसी में अगर किसी भी बैंक से मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो वो दौड़ के सीएससी सेंटर पे भाग रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्क सब कर दिया गया है। बैंक या कोई भी अधिकारी अब अपने आप खुद नहीं करता है कोई काम, वो डायरेक्टली बता देता है कि जाके आप एप्लीकेशन टाइप करवा के लाओ, पूरी चीज आप एप्लीकेशन लिखवा के लाओ और यहाँ लाके फॉर्म को जमा कर दो। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से, ये सारे फॉर्म आपके पास पड़े होंगे तो आप आसानी से इन फॉर्म को अपने वर्ड में खोलेंगे, और वर्ड में खोलने के बाद जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है और प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है, और 10 से 20 रुपए आप कमा सकते हैं। अगर ये शॉप आपकी किसी तहसील या किसी जो है ऐसी जगह पर है जहाँ पर इन फॉर्मों का, इन एप्लीकेशंस का, बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी काम है आपका वहाँ पर ज्यादा अगर आ रहा है तो आपका इन एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये एप्लीकेशन हर एक वो सीएससी वीएलएस को लेना चाहिए, जो छोटा है, बड़ा है, बड़े वर्क को करता है या छोटे वर्क को करता है, या अभी नया खोले हुए है या खोलने की सोच रहा है, जो भी कर रहा है वो इस एप्लीकेशन को उसको लेना चाहिए। ये एप्लीकेशन जिसके पास होगा वो अपने काम को एक अच्छी पहचान दे सकता है, वो अपने काम को एक अच्छा नाम दे सकता है। सो बहुत सारे फॉर्मेट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। एक एक अगर हम फॉर्मेट को दिखाने में लगेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियोस हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर हमने जो आपके इम्पोर्टेंट फॉर्म है उसको हमने दिखा दिया है। यहाँ पर अगर कोई बैंक से लोन लेना चाहता है तो वो भी यहाँ पर है। बैंक में आधार कार्ड लिंक करने के लिए भी एप्लीकेशन है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट बहुत पहले ओपन हुआ था, उनके अकाउंट से आधार नहीं लगा हुआ है, मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है, तो ये सारे एप्लीकेशन जब आपके पास मौजूद होंगे तो आप आसानी से इनको दे सकते हैं प्रिंट करके। थोड़ी थोड़ी चीजें, नाम वगैरह ही डालना होता है, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह बस, और कुछ नहीं डालना होता है, बाकी सारा डिजाइन होता है। तो आप इन सब के फॉर्मेट्स को अपने पास अगर रख लेंगे तो कल को कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आप आसानी से अपनी भी इनकम बढ़ाएंगे और अपनी शॉप का नाम बढ़ाएंगे और अपने कस्टमर बढ़ाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी इस फॉर्म को आप रखेंगे अपने पास या नहीं रखेंगे। ये फॉर्म बनाने में या डाउनलोड करने में, आप ऐसे तो ना इनको डाउनलोड कर सकते हो ना ही ऐसे आप आसानी से बना सकते हो। इनको बनाने में आपका काफी टाइम जाएगा, इनको डाउनलोड करने, सर्च करने में भी आपका काफी टाइम जाएगा। तो एक ऐसा बेहतर तरीका डिजिटल वर्ड सेवा .in आपके लिए लाया हुआ है, जिसके माध्यम से आप मात्र 99 रुपए में ये 255 फॉर्म्स को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 99 रुपए में आप इन सभी एप्लीकेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशंस यहाँ पर देख सकते हैं 255 एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर 255 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। 255 के पूरे एप्लीकेशंस की भी एक जिप फाइल आपको दे दी जाएगी, और उस जिप फाइल में जो पासवर्ड लगा होगा वो पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, और उस जिप फाइल को आप पासवर्ड डाल के एक्सट्रैक्ट करके अपने पास इस तरीके से रख सकते हैं। सो अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या जो मेल दी गई है उस मेल पे मैसेज कर दीजिए। आपका जो भी फॉर्म की इंक्वायरी है वो आपको देनी है, जैसे आपको अपना नाम,
आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपनी ईमेल। इन फॉर्म को लेने के लिए आपको मेल या मोबाइल पे जो व्हाट्सएप नंबर है या जो मेल है उस पे आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है। पहला तो आपका नाम, दूसरा आपका व्हाट्सएप नंबर, तीसरा आपका ईमेल आईडी और चौथा आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट जो 99 रुपए का आपका चार्ज होगा। ये चार चीज आपको सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। किसी भी तरीके का कोई फालतू का मैसेज या टाइम पास करने के लिए कॉल मैसेज मत करिएगा। आप जब डिटेल्स के साथ, पेमेंट और डिटेल्स के साथ हमें मैसेज करेंगे, उससे 10 से 5 मिनट के अंदर, मान लीजिए 5 भी मिनट लग सकता है या 10 मिनट भी लग सकता है, तुरंत आपको जो है एक zip फाइल सेंड कर दी जाएगी और zip फाइल में जो पासवर्ड होगा वो सेंड कर दिया जाएगा। आप उस zip फाइल को एक्सट्रैक करके पासवर्ड डाल के अपने पास ये सभी फॉर्म्स को रख सकते हैं। अगर आप बिना डिटेल्स के, बिना पेमेंट के कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये चीज हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कमेंट में या दूसरों से कि यहाँ पर कॉल या मैसेज नहीं उठा रहे हैं। आपको अगर चाहिए तो आप अपनी डिटेल्स, पेमेंट भेजिए और इन सभी फॉर्म्स को प्राप्त करिए। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आपको कॉन्टेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी वीएलईज, जितने वीएलईज भाई हैं, जितने भी सीएससी वर्क करते हैं, जितने भी जनसेवा केंद्र संचालक हैं या जो ऑफिस के अंदर बैठ के वर्क करते हैं, वो सभी लोगों को ये फॉर्म लेना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आप सभी के बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मेट दिए गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नया एक जनसेवा केंद्र, एक नया सीएससी सेंटर चला रहे हैं, उन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो हमने चार्ज रखा है वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, वो सिर्फ 99 रुपये है, जो एक नॉर्मल चार्ज है। इतना आप पान मसाला खाकर थूक देते होंगे। सो क्यों ना ऐप ऐसे एप्लीकेशंस को अपने पास रखो जो आने वाले कल को आपको फायदा दे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी इन फॉर्म को ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपके लिए हमेशा के लिए फायदेमंद होते हैं। आपके पास अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कल को आपको रिज्यूम बनवानी है, तो आप किसी सीएससी सेंटर पे लाइन नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास ये फॉर्मेट पड़े हुए हैं, आप खुद से ही अपने इन फॉर्म को, अपनी डिटेल्स को एडिट करके और प्रिंट कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं या जिस भी विभाग में आपको भेजना है उसको सेंड कर सकते हैं। सो आप स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस का जो वर्क कर रहे हैं या सीएससी सेंटर चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को आपको लेना चाहिए। सो अगर आपकी इंक्वायरी है तो हमारे व्हाट्सएप या ईमेल पे अपनी इंक्वायरी सेंड करिए। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।